नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देखते हुए इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैस्पर्स की एंटीवायरस के बारे में। देखिए पहले वीडियो में हमने बताया था कि कैस्पर्स की एंटीवायरस को कैसे उनके ही ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके 30 दिनों तक यूज कर सकते हैं हम लोग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैस्पर्स की एंटीवायरस के डिटेल्ड रिव्यू के बारे में। मैं इसे बहुत दिनों तक यूज कर चुका हूँ पहले भी, उस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके मैं बताऊंगा क्या कुछ इसके बहुत बेहतरीन फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर आप खरीदते हो कैस्पर्स की एंटीवायरस। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आपको देने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा रिव्यू कैस्पर्स की एंटीवायरस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कैस्पर्स की एंटीवायरस किस किस मामलों में बहुत बढ़िया है, किस किस मामलों में बहुत अच्छा है और किस किस मामलों में थोड़ा सा वीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीवी। तो आइए कैस्पर्स की का ये डिटेल रिव्यू शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये है विंडोज 10 और यहाँ पे मैं कैस्पर्स की एंटीवायरस को रिव्यू करने वाला हूँ अभी। तो बात करते हैं कैस्पर्स की एंटीवायरस के कुछ फीचर्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फीचर के बारे में तो वो होने वाला है स्कैन वाला फीचर। दोस्तों अब ये फीचर तो हर एक एंटीवायरस में रहता ही है, इससे हम लोग अपना सिस्टम स्कैन कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कैस्पर्स के एंटीवायरस के स्कैन वाले फीचर के बारे में तो उस मामले में हमें यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों स्कैन वाले फीचर में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फुल स्कैन, जो कि हमारा फुल सिस्टम जो है वो स्कैन कर देता है। दूसरा है क्विक स्कैन, तीसरा है सिलेक्टिव स्कैन और अगर बात करें चौथे के बारे में तो वो है एक्सटर्नल डिवाइस स्कैन। और अगर बात करें एक और फीचर के बारे में तो वो है शेड्यूल स्कैन। दोस्तों तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल स्कैन के बारे में। फुल स्कैन बेसिकली है क्या? फुल स्कैन आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से स्कैन करता है मैनुअली और इसमें 1-2 घंटा टाइम लग जाता है दोस्तों, लेकिन ये पूरा ठीक तरीके से आपके कंप्यूटर को स्कैन कर लेता है और आपके कंप्यूटर में अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसे भी पकड़ के डिलीट कर देता है या फिर आपसे पूछता है कि उससे क्या करना है। यहाँ पे अगर स्कैन आप शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली रन स्कैन नाम का एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्लिक करके ये स्कैन शुरू करना होगा। और अगर आप स्टॉप करना चाहो इसको तो उस मामले में यहाँ पे एक रेड बटन आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हो मेरी तरह से। इसके बाद अगर बात करें हम लोग क्विक स्कैन के बारे में तो क्विक स्कैन बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या फिर एक ऐसा सिस्टम है कैस्पर्स के एंटीवायरस का जिसकी मदद से आप 1 या फिर 2 या फिर 10 मिनट के अंदर अंदर अपने पूरे सिस्टम को बड़ी ही क्विक तरीके से स्कैन कर सकते हो। और इस स्कैन में बिल्कुल प्रॉपर नियम फॉलो करता है कैस्पर्स के एंटीवायरस और कोई भी अगर गलत कुछ इसे दिखता है वहाँ पे तो उस मामले में वो उस वायरस को कैच करता है और आपके सामने पेश कर देता है और कहता है आपसे कि इससे क्या करना चाहिए, डिलीट करूँ या फिर क्या करूँ। तो उस मामले में क्विक स्कैन भी बुरा नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस मामले में आप क्विक स्कैन का यूज़ कर सकते हो जिससे कि 10 मिनट में ही या फिर 15 मिनट में आपका पूरा कंप्यूटर स्कैन ये कर देगा। तो यहाँ भी सेम तरीके से हमें स्कैन करवाना है रन स्कैन में क्लिक करके और स्टॉप में क्लिक करके कभी भी आप इसे रोक सकते हो। लेकिन मैं अगर सच कहूँ तो ये बहुत ही कम टाइम लेता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी। तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्टिव स्कैन के बारे में। सिलेक्टिव स्कैन एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप अगर चाहो तो किसी पर्टिकुलर फोल्डर, किसी पर्टिकुलर ड्राइव, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बड़ी ही आसान तरीके से अपने कंप्यूटर में स्कैन कर सकते हो, क्या उसमें वायरस है या नहीं आपको पता चल जाएगा। तो स्कैन करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक ऐड ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड नाम का एक बटन है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे सिंपल तरीके से और उसके बाद आपको चूज कर लेना है आप किस फोल्डर को स्कैन करना चाहते हो। तो ये कैस्पर्स की उसी पर्टिकुलर फोल्डर को स्कैन करेगा, आपके सिस्टम को स्कैन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड फोल्डर को जैसे कि सपोज चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट में मैं क्लिक कर दूंगा या फिर सिलेक्ट में क्लिक कर दूंगा और उसके बाद वो पर्टिकुलर फोल्डर स्कैन लिस्ट में आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो रिमूव ऑल में क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये अगर फोल्डर है इस फोल्डर का नाम स्कैन लिस्ट में आने के बाद अगर मैं यहाँ पे रन स्कैन में क्लिक करता हूँ इस तरह से तो फिर वो स्कैन शुरू हो जाएगा, वो फोल्डर स्कैन होगा कैस्पर्स की एंटीवायरस की तरफ से और मुझे पता चल जाएगा कि उस फोल्डर में क्या कुछ है या क्या कुछ नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत सारे फोल्डर्स को एक साथ में स्कैन कर सकते हो या फिर अगर आपकी मर्जी हो तो उस मामले में आप एक फोल्डर को एक टाइम पे भी स्कैन कर सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर है दोस्तों। तो ये फीचर मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव है कैस्पर्स की एंटीवायरस में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस स्कैन के बारे में। तो एक्सटर्नल डिवाइस स्कैन मतलब आपके पास अगर कोई पेन ड्राइव है, आपके पास कोई यूएसबी है तो उसको आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे स्कैन कर सकते हो एंटीवायरस के थ्रू, मतलब कैस्पर्स की के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एक पेन ड्राइव है जो कि है डी ड्राइव में, तो ये डी ड्राइव मैंने चूज करता हूँ अभी और यहाँ पे रन स्कैन में क्लिक कर देता हूँ। तो रन स्कैन में क्लिक करने के बाद ही ये मेरा पेन ड्राइव जो है इसे स्कैन करना शुरू कर देगा कैस्पर्स की और मुझे बता देगा क्या इसमें कुछ खराबी है या फिर नहीं या फिर क्या ये ठीक ठाक भी है या नहीं।
तो ये भी एक अच्छा फीचर है मेरे ख्याल से दोस्तों, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ठीक ठाक तरीके से, और ये मेरे ख्याल से एक बेहतरीन फीचर है। और अगर हम लोग अभी यहाँ पे बात करें स्कैन शेड्यूल के बारे में, तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि है एक फुल स्कैन, क्विक स्कैन और वल्नरेबिलिटी स्कैन। तो इस मामले में आप तीनों को ही शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल मतलब ये आप टाइमर सेट कर सकते हो कि रोज़ ये कितने बजे खुद ब खुद स्कैन करेगा। तो यहाँ पे मैं क्विक स्कैन को चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि कितने टाइम के बाद बाद आप इसे स्कैन करवाना चाहते हो। तो उस मामले में हमें बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आप सिलेक्ट कर सकते हो वीकली, पर डे, या फिर कितने टाइम के बाद आप स्कैन करवाना चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज एवरी डे चूज करूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है मेरे ख्याल से सामने, जैसे कि आप देख सकते हो वीकली, वीकेंड, ये सब है। तो मैं एवरी डे को चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद हमें टाइम मिलेगा यहाँ पे देखने को कि किस टाइम पे ये स्कैन करना शुरू करेगा, ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं, जिससे ये खुद ब खुद स्कैन करना शुरू कर देगा। और हम लोग अगर इसे सेव कर दे तो ये रोज खुद ब खुद एक टाइम पे स्कैन करना शुरू करेगा हमारे सिस्टम को दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डेटाबेस अपडेट के बारे में। डेटाबेस अपडेट बेसिकली एक ऐसा छोटा सा फीचर है जिसकी मदद से आप अपने एंटीवायरस को डे बाय डे अपडेट कर सकते हो। इसका अपडेट हर मिनट में, हर घंटे में बहुत बार अपडेट ये देता है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आपसे यही कि इसे बार बार आप लोग अपडेट करते रहो, ताकि ये हर एक नए नए मैलवेयर, वायरस, ट्रोजन, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता रहे। और इससे ये ज़्यादा तरीके से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, और भी ज़्यादा तरीके से हमें सेफ और सिक्योर रख सकता है हमारे कंप्यूटर को किसी भी वायरस, मैलवेयर, ट्रोजन के हाथ से दोस्तों। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि जितना जल्दी कर सकते हो, जितना ज़्यादा कर सकते हो, इसे डेली अपडेट करते रहो दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट्स बेसिकली एक ऐसा छोटा सा फीचर है कैस्पर्स के एंटीवायरस का, जिसकी मदद से आप जान सकते हो कि आपने पहले अपने कंप्यूटर को कितनी बार स्कैन किया है, और कितनी बार कितने फाइल्स को डिलीट किया है इसके एंटीवायरस के थ्रू, और बाकी ये सब कुछ आप जान सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये उतना भी इंपॉर्टेंट एक फीचर नहीं है, क्योंकि हमें क्या मतलब कि कितनी बार स्कैन हुआ है। लेकिन स्कैन होने से मतलब है बेसिकली हमारे कंप्यूटर को या सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। तो ये कितनी बार हुआ है ये जानने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये रिपोर्ट थोड़ा सा काम अगर आए तो भी आ सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के बारे में। तो ये बेसिकली एक छोटा सा फीचर है जो कि आपके कीबोर्ड को एनेबल कर देता है, जिसे आप माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि ये कैस्पर्स्की का कीबोर्ड है तो सही, लेकिन इसमें विंडोज़ बटन मिसिंग है दोस्तों। अब अगर बात करें मोर टूल्स के बारे में, तो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें से सबसे पहला है ये प्रोटेक्शन फॉर ऑल डिवाइसेस, जिसके थ्रू मतलब यहाँ पे आप अपने हर एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो इससे, और अपने सभी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन उस मामले में आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होगा। रजिस्ट्रेशन कौन सा वाला? कैस्पर्स्की में, माई कैस्पर्स्की पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे यूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इसकी कोई खास ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पास दो या तीन डिवाइस है तो उस मामले में आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर बात करें यहाँ पे क्लाउड प्रोटेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है यहाँ पे कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो उस मामले में आप इसे फिर से रीइंस्टॉल करो, क्योंकि अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो उस मामले में आपको अपडेट में प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर क्लाउड प्रोटेक्शन में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। ये बेसिकली एक बैकअप प्रोसेस है जो कि हमें हर एक सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाता है, हर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में। तो कितने फाइल्स आपने डिलीट किए, कितने आपने रिस्टोर किए, उस मामले में ये सिर्फ अपडेट रखता है या आपको देता है दोस्तों। तो ये उतना भी जरूरी नहीं है। और अगर बात करें यहाँ पे एक और फीचर के बारे में मोर टूल्स की, तो वो हो जाता है यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैन। तो वल्नरेबिलिटी स्कैन बेसिकली आपके पूरे सिस्टम को स्कैन करता है, और ढूंढता है बेसिकली ऐसा कोई प्रोसेस जो शायद हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चल रहा है। सपोज ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो कि बैकग्राउंड में आपकी जानकारी के बगैर रन हो रहा है आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में, और आपको पता भी नहीं है, वो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा रहा है, या फिर कोई स्पाईवेयर है सपोज। तो उस मामले में कैस्पर्स्की का वल्नरेबिलिटी स्कैन वाला जो फीचर है वो उसे डिटेक्ट करता है, और उसे आपको शो करता है कि ये आपके कंप्यूटर के सिस्टम को हार्म कर सकता है, आपके डेटास को लीक करवा सकता है, और उसे वहीं पर रोक देता है और डिलीट भी कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन फीचर है कैस्पर्स के एंटीवायरस का, जो कि आपके डिजिटली कंप्यूटर लाइफ को आसान बना सकता है, प्रोटेक्शन फुल बना सकता है, और ये आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा हद तक प्रोटेक्ट भी कर सकता है दोस्तों। और अगर बात करें ब्राउजिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो उस मामले में ब्राउजिंग कॉन्फ़िगरेशन आपके एक वेब ब्राउज़र में भी, आप जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो, क्रोम हो, चाहे एज हो, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उसमें एक छोटा सा एक्सटेंशन ऐड कर देता है, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन दुनिया में भी प्रोटेक्शन पा सकते हो दोस्तों।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्राइवेसी क्लीनर के बारे में, तो ये छोटा सा एक ऐसा फीचर है जो आपको बहुत हेल्प करता है आपके कंप्यूटर में जमे हुए ट्रैश फाइल्स को डिलीट करने के लिए। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो छोटे छोटे कुकीज़ कैचिस ऐसे फाइल्स जमे हुए होते हैं, ये उन्हें एक ही क्लिक में डिलीट कर देता है, आपको शो करता है क्या क्या फाइल्स है और आप उन्हें एक ही क्लिक में डिलीट कर सकते हो, जिससे आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है और आपका हार्ड डिस्क भी सही रह सकता है दोस्तों। इनके अलावा भी मोर टूल्स में हमें दो और सेटिंग्स देखने को मिल जाती है जो उतने काम की है नहीं, तो इनके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं अगर आप लोग चाहो तो। तो इसलिए इस वीडियो में मैं इन दोनों के बारे में और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और अगर बात करें यहाँ पे सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैस्परस्की में, जिसकी मदद से आप किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हो जो कि कैस्परस्की एंटीवायरस से रिलेटेड है दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पे कैस्परस्की न्यूज़ का भी एक आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि उतना इंटरेस्टिंग है नहीं मेरे ख्याल से। और अगर बात करें यहाँ पे सेटिंग्स के मामले में, तो फिर सेटिंग्स के साथ हमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा फीचर है छोटा सा जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है और उसका नाम है सेट अप पासवर्ड प्रोटेक्शन। अब सेट अप पासवर्ड प्रोटेक्शन कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली किसी को भी आपका सेटिंग्स जो है कैस्परस्की का वो छेड़ने से रोकता है। तो मैं यहाँ पे एक नया पासवर्ड सेट करता हूँ 1234 और यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये किसी को भी आपको सेटिंग्स चेंज करने नहीं देगा। तो यहाँ पे नीचे पासवर्ड क्राइटेरिया जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाला, इसे मैं टिक करके रखता हूँ और यहाँ पे सेव दबा देता हूँ, तो यहाँ पे पासवर्ड मुझसे ये मांगेगा। अब अगर हम लोग सेटिंग्स में एक्सेस करने की कोशिश करें तो उस मामले में ये पासवर्ड मांगेगा, अगर गलत है तो फिर ये इंटर नहीं होने देगा सेटिंग्स में, और अगर ठीक है तो फिर ये हमें सेटिंग्स को चेंज या फिर कॉन्फ़िगर करने देगा दोस्तों। तो दोस्तों यही है वो कुछ खास फीचर्स जिनके बारे में मुझे बताना था आपको। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो उनके बारे में आप खुद भी पता लगा सकते हो इस कैस्परस्की को इंस्टॉल करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फीचर्स पसंद आए होंगे, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है दोस्तों। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इस बटन में क्लिक करके। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कर देना, इससे मैं जो भी फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए वीडियो को तो मिल रहा हूँ मैं बहुत ही जल्दी और वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।